Yes, we are live now. Just a moment, just a moment. Yeah, please go ahead. Thank you. Shall I start, sir? Yeah, sure. Good evening, friends. राजेश रेड्डी के इस शेर से मैं आगाज करना चाहूंगा कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। नमस्कार दोस्तों, कविता कारवां और निशस्त दिल्ली परिवार की ओर से मैं जसप्रीत आप सभी का और खास तौर पर आज हमारे साथ जुड़े सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज चिल्ड्रन स्पेशल में सभी को सुनने के लिए बेहद एक्साइटेड भी हूं। आप सभी में से कुछ लोग हमारे साथ एक अरसे से जुड़े हुए हैं। आप सभी का ये मोहब्बत बनाए रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं आज हमारे साथ पहली बार जुड़े सभी मेहमानों का तारुफ यानी के इंट्रोडक्शन इस परिवार से करवाना चाहूंगा। कविता कारवां और निशस्त दिल्ली एक ईमानदार कोशिश है लिटरेचर और पोएट्री को प्रमोट करने की और उसे हर आम व खास तक पहुंचाने की। हमें खुशी है कि हमने ये बीड़ा उस वक्त उठाया जब इस तरह की कोशिशों की बहुत कमी थी। ये खुशी आज दोगुना इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में खास तौर पर हिंदी और उर्दू साहित्य को मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर है। निशस्त दिल्ली, इसमें निशस्त का लिटरल मीनिंग है गैदरिंग या बैठक। तो हम सभी रेगुलर इंटरवल्स पर निशस्त में मिलते हैं और कविताएं गजलें और नज़में सुन पाते हैं। ये बताते हुए मुझे वाकई खुशी होती है कि बहुत से लोगों ने जिंदगी में पहली बार निशस्त दिल्ली के माध्यम से पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ते गए। ये इस प्लेटफॉर्म की खासियत है कि यहाँ आप सिर्फ एक प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, आप एक परिवार से जुड़ते हैं, एक मुहिम से जुड़ते हैं। हमारी इन गैदरिंग्स के कुछ बेसिक कोर रूल्स हैं जिन्हें आप सब जरूर जान लें। एक, यहाँ अपना खुद का या परिवार या दोस्तों का लिखा कलाम पोएट्री पढ़ने की इजाजत नहीं है। दूसरा, सिर्फ क्वालिटी पोएट्स और पोएम्स को ही पढ़ा जाता है जिसका अप्रूवल हमारी ज्यूरी देती है। और फाइनली, हर पार्टिसिपेंट को सिर्फ एक ही कविता पढ़ने की इजाजत है। इसके अलावा, वी रिक्वेस्ट यू टू फॉलो ऑल ऑनलाइन मीटिंग प्रोटोकॉल्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का कविताओं और कविता कारवां से ये प्रेम बना रहेगा। बस इसी छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपनी साथी प्रेरणा निर्मल से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के प्रोग्राम का संचालन करें और हमारे प्यारे मेहमानों के साथ कविताओं का सिलसिला शुरू करें। प्रेरणा जी, बहुत शुक्रिया जसप्रीत जी। कविता कारवा और निशस्त दिल्ली की तमाम टीम की तरफ से मैं प्रेरणा निर्मल आप सबको नमस्कार करती हूँ। आपका इस्तकबाल है, स्वागत है आज के स्पेशल कार्यक्रम में जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों द्वारा सिलेक्ट की गई कविताओं पर आधारित है। ये कविताएं आज टीचर्स डे पर एक डेडिकेशन भी है उन तमाम टीचर्स के लिए जिनकी मेहनत और लगन की वजह से ये बच्चे अपने आप में कुछ काबिलियत तलाश कर पाते हैं। ये टीचर्स महज स्कूल की चार दीवारी तक ही महदूद नहीं है बल्कि हर घर में माँ बाप भाई बहन की शक्ल में अपनी कोशिशों से बच्चों के भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान देते रहते हैं।
आइए आज इन बच्चों के दरमियान बच्चा सा बन जाएं और इनकी मासूम निश्चल निष्पाप आंखों से इस तिलिस्मी दुनिया को देखें, इनकी संवेदनशीलता और विशुद्ध मानसिक चेतना का अंदाजा आप इनकी चुनी हुई कविताओं से लगा सकते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहेंगे कौसर इस्माइल और जावेद आलम। जावेद, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके पर मुझे आवाज़ देने के लिए। मैं लाइव ऑडियंस के बीच में और इस इन क्यूट सी महफिल जो इस बच्चों की इस वक्त बनी हुई है, इनके बीच में ज़्यादा दीवार नहीं बनना चाहते। मैं इकबाल अशर के बड़े खूबसूरत शेर के साथ, क्योंकि ये बड़ी क्यूट सी महफिल जम गई है, तो एक बड़ा क्यूट सा ही एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो कम सीनी की शफीक यादें गुलाब बनकर महक उठी हैं, उदास शब की खामोशियों में ये कौन लोरी सुना रहा है। सुनो समंदर की शोक लहरों, हवाएं ठहरी हैं, तुम भी ठहरो, वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। रेना, अब ये महफिल आपके हवाले। क्या कह रहे जावेद साहब, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत इससे बेहतर और क्या हो सकती थी। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, और सबसे पहले आई विल इनवाइट सुशीम Sudhay, who will be reading a beautiful progressive poem by Maya Angelou, Life Doesn't Frighten Me, who very aptly once said that you must be the change that you need to see in the society. So, is quote ke saath, I'll invite Sushim Sudhay. Over to you, Sushim. Do we have him? Sushim is saying something. Sushim, आप अनम्यूट करिए खुद को, बच्चा आप म्यूट हैं। हाँ जी, आप शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। सुशीम, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं बच्चा, आप चेक करिए एक बार अपना ऑडियो, प्लीज देखो आप कनेक्टेड हो। रोहित, कैन यू जस्ट चेक? आप अपना ईयर प्लग्स निकाल दीजिए, ट्राई विदाउट ईयर प्लग्स, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्लग, मे बी माइक इज नॉट वर्किंग। बेटा बिना ईयर प्लग्स कर दो। हाँ, अब पढ़िए, अब आपकी आवाज आ रही है। Yes, yes, we can hear you now. Okay. Please go ahead. Okay, okay. Happy Teachers Day to you all. Today is a big day for learning. Learning all kinds of virtues of a human. From faithfulness to forgiveness. From failure to success. And so on and so forth on this day. I am going to render a poem titled Life Doesn't Frighten Me by Maya Angelou. This poem is a ladder of learning for all age groups. Fear is the enemy of creativity, but a few like Maya Angelou personify the distant of fear and with greater dignity and grace, who has overcome remarkable hardships such as childhood rape, poverty, addiction, and grief to become one of today's most celebrated writers. Life Doesn't Frighten Me is an absolute treat in its totality, a priceless primer on poetry and contemporary art for children. It is a timeless reminder of the power of courage in all of us. Hope we all bounce around together. Life Doesn't Frighten Me by Maya Angelou. Shadows on the wall, noises down the hall. Life doesn't frighten me at all. Bad dog barking loud. Big ghost in a cloud. Life doesn't frighten me at all. Mean old mother goose, lions on the loose. They don't frighten me at all. Dragons breathing flame on my counterpane. That doesn't frighten me at all. I go boo, make them shoo. I make fun, way they run. I won't cry, so they fly. I just smile, they go wild. Life doesn't frighten me at all. Tough guys fight all alone at night. Life doesn't frighten me at all. Panthers in the park, strangers in the dark. No, they don't frighten me at all. Don't show me frogs and snakes and listen for my scream.
if I'm afraid at all, it's only in my dream. I've got a magic charm that I keep up sleeve. I can walk the ocean floor and never have to breathe. Life doesn't frighten me at all. Not at all. Not at all. Life doesn't frighten me at all. Thank you. Wow, what a wonderful poem, Sushim. Life doesn't frighten me at all. It was very wonderful recitation. And thank you for filling us with all the courage and positivity. So on the similar note, ab main invite karungi Sanidhya Chandra Joshi ko, jo hame sunayenge Rabindranath Tagore ki kavita, Where the Mind is Without Fear. हम सभी इस कविता से प्रेरणा लें और आने वाले कल को बेहतर बनाएं, यही हमारी कामना है. सो ओवर टू यू सानिध्य. नमस्कार. हैप्पी टीचर्स टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज अनिशा जोशी. आई स्टडी इन क्लास 7 इन देहरादून. टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ पोएम माइंड वेयर माइंड डॉट फेयर composed by Guruji Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was the author of Gitanjali and a profoundly sensitive, fresh and beautiful work. He became the first non-European to win Nobel Prize in Literature in 1930. This poem is dedicated to all my teachers. Where the mind is not fair and the head is held high, I think we have lost connection with him. Sanidhya, we can't hear you. Stand up, yeah, he's back. Namaskar. Happy Teachers Day to all of you. My name is Sanidhya Chandra Joshi. I study in class 7th in APS Birpur, Dehradun. Today I am going to recite a poem where the mind is without fear, composed by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, the author of Gitanjali and his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. This poem is dedicated to all my teachers. Where the mind is without fear, the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up in fragments, narrow domestic walls, where words are from the depth of earth, where time traveling stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert, where the mind is led forward by thee into the heaven of freedom, my father, let my country say thank you. So sweet. Thank you so much, Sanidhya. Thank you so much. It was a very wonderful recitation. And, you know, it is so tragic that human civilizations are striving for freedom over the years. But till today, its idea kind of eludes us. So, and we still wish that into the heaven of freedom, my father, let my country awake. That's what Rabindranath Tagore once said. So that was Sanidhya, who read this wonderful poetry for us. और तकरीबन इसी सेंटिमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूंगी प्रियंवदा राव को, जो हमें बताएंगी किस तरह हर ऑड के अगेंस्ट खुद को मुस्तैद कर हमें राइज करना है. प्रियंवदा पढ़ेंगी माया एंजेलियो की खूबसूरत और झंझोर देने वाली कविता स्टिल आई राइज. ओवर टू यू प्रियंवदा. Thank you. First of all, I would like to dedicate this poem to the Black Lives Matter movement. It inspired me to read this. I would also like to dedicate to people who are fighting for freedom. I would like to say that I see them. And Maya Angelou was one of my idols. She's one of the most celebrated memoirists, civil rights activists, and one of the most admired women. So I would like to speak. I would like to recite this. You may write me down in history with your bitter twisted lies.
You may trod me in the very dirt, but still like dust I rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like moons and light suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulder falling down like eardrops, weaken by my soulful cries? You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like air I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? One of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, swelling as swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terrors and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts my ancestors gave, and the dreams and hopes of this faith, I rise, I rise, I rise. Thank you. I rise, I rise, I rise. You know, after listening to this, I just realized that the beginning of this program couldn't have been this better. You know, such meaningful, purposeful and thought-provoking poetry. प्रियंवदा, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई और आपकी इतनी छोटी सी उम्र में इतने प्रोग्रेसिव विचार यकीनन सराहनीय हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में एंड आई विल नाउ इनवाइट हरप्रीत कौर टू रीड आउट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएट्री बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर पोएम विच डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, the simplicity of images and the concrete portrayal of the world are the highlights of Robert Frost. So let's see what Harpreet has to serve us with. Over to you, Harpreet. Good evening, everyone. I am Harpreet Kaur and my title of the poem is Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire. I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction nice is also great and would suffice. By Robert Frost. Thank you. Thank you so much, Harpreet. That was brief and very beautiful. बच्चे हमारे साथ हैं तो बचपन की तरफ चलते हैं और बचपन का जिक्र हुआ है तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता लालची बंदर याद आ गई. तो बिना कोई देरी किए मैं बुलाने जा रही हूँ नन्ही सी अवनी को जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमें इस लालची बंदर की व्यथा सुनाएंगी. अवनी, ओवर टू यू. गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम अवनी गुप्ता. टुडे आई विल रिसाइट पोएम नेम लालची बंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स प्रेजेंट हियर. सो लेट्स स्टार्ट. नमस्ते बच्चों, मैं राम सुमेर. आज मैं आपको कविता के माध्यम में सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे घर पर हुआ. एक समय की बात बताऊं कई दिनों का भूखा बंदर कुछ खा जाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर. दिया दिखाई उसको सोने घर में पड़ा एक घड़ा. वह घड़ा भी गुरमुरोचनों से था भरा पड़ा. दोनों हाथ फौरन दिए उसने घड़े में डाल और चने भरी मुट्ठियों को ना पाया निकाल. घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, ना निकाल पाता हाथ निकाल पाता और उस लालची बंदर से चना ना छोड़ा जाता. फिर उसको लग गई बहुत देर और वहां पे पहुंच गए डंडा लेके घर के मालिक राम सुमेर. फिर बच्चों खुद ही सोचो बंदर पे क्या बीती और बच्चों तुम खुद ही बताओ बंदर ने की क्या गलती. धन्यवाद.
इस स्टोरी से, इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम को करने से पहले सोचना चाहिए और हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच अवनी, आपने बहुत ही क्यूट कविता सुनाई और उतने क्यूट आप दिख भी रहे थे। बहुत ही प्यारी कविता और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमारे लिए पढ़ी। हाँ तो भाई, बंदर ने क्या गलती की थी? बंदर ने ये गलती की थी कि मुट्ठे से चने छोड़े नहीं। छोड़ दिए होते तो मुसीबत का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो ये बात हमें बचपन में ही समझ लेनी चाहिए तो बड़े होने पर चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है कि लालच बुरी बला है। So with this lovely poem, now we are changing the gears और अब हम सुनेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी खंड काव्य रश्मि रथी से एक कविता कृष्ण की चेतावनी, जो हमारे लिए सुनाने जा रहे हैं तेजस नेगी। Over to you तेजस। मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की कविता कृष्ण की चेतावनी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हस्तिना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल विक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध के घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जग, छर अचर जीव, मनुष्य नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य, शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि जिष्णु जलपति धनेश, शत कोटि रुद्र, शत कोटि काल, शत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, देख इसमें कहाँ तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मलन, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब चलता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी वो भू पर वहनी प्रखर, फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े,
केवल दो नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया तेजल, आपने बहुत सुंदर कविता पाठ किया। जिस तरीके से आपने इस कविता को आत्मसात करके हमें सुनाया वो बहुत हद तक काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया तेजल, बहुत बढ़िया। तो संजीदा कविताओं का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी तामिस तबलानिया को, जो महज 10 साल के हैं और ऋतुराज की लिखी कविता कन्यादान हमारे लिए पढ़ेंगे। तामिश पढ़िए। नमस्कार। नमस्कार, आज मैं दमित सबरानिया आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कन्यादान और इसे लिखा है कवि ऋतुराज ने। इन्होंने समाज के पीड़ित लोगों की परेशानियों को अपनी कविता में स्थान दिया। यह कविता उस समय उजागर होती है जब एक लड़की की शादी होती है और उसकी माँ उसे सीख देती है कि आने वाले जीवन में उसे कैसे रहना है। इस कविता में माँ और उसकी बेटी के संबंध को दर्शाया है। आशा है आपको यह कविता पसंद आएगी। कन्यादान, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोरी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। वाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। धन्यवाद। मैम यू आर म्यूटेड। मैम आपकी आवाज़। ओह सॉरी, सी इट हैपेंस विद द होस्ट एज़ वेल। तो बहुत सुंदर पढ़ा आपने तामिश, बहुत सुंदर कविता पाठ। ओके, द नेक्स्ट इन द लाइन वाज सिमरन गिल विद अस, but I don't think that she is available with us to read her poem Forever by Paul Lawrence. But there is a trivia attached to this poet called Paul Lawrence, aur iske bare mein hame batayengi hamari sweet baji Kausar Ismail Siddiqui. So I'll request her to share this same with you all today. Over to you, Kausar baji, please enlighten us. Professor Baji, unmute. So Simran Gill is not here right now and she had to recite a very beautiful poem by Paul Lawrence Dunbar. I remember, there's a bit of significant trivia here. Paul Dunbar was born way back in 1872. ये आजकल भी इसलिए थोड़ा सा मुझे भी लगा, जैसे प्रियंवदा ने भी कहा था कि बिकॉज ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है, तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा ध्यान आया कि मैं ये बताऊं आप लोगों को कि पॉल डनबार 1872 में पैदा हुए थे जब अमेरिका में उन लोगों को सिर्फ स्लेव्स बनाया जाता था, उनसे गुलामी करवाई जाती थी अमेरिका में। ऐसे एटमोसफियर में वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन पोएट थे जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला था और उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी हम सबके लिए एक लेसन है कि ये जो रेसिज्म है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो इतना रैम्पेंट हुआ हुआ है, हम सब उसके अगेंस्ट फाइट करें। ये स्किन का कलर जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, बल्कि हमारे
जो क्रिएटिविटी होती है बंदे की, जो इंटेलिजेंस होती है, वही सबसे ज्यादा जरूरी होती है और वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है हर इंसान को की पर्सनालिटी को जज करने के लिए. वी शुड नेवर जज एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, एनीथिंग. सो दैट वाज इट. Thank you so much, Kausar ji, for inviting. They're actually really proud of these children to be choosing to read these poets. I wish that Simran was here and she could have read this poem. I wish that too. And thank you so much, you fill in on her behalf. And thank you so much for enlightening us with such thoughts. It is indeed very important for us to look and see beyond the caste, color and race. So thank you so much for your inputs here. तो एक बार फिर चलते हैं नन्हे बच्चों और उनके सपनों की तरफ. प्रेजेंटिंग अनुभव चमोली ऑफ स्टैंडर्ड 5, ही विल रिसाइट पापा कहते बनो डॉक्टर. अब देखते हैं ये फाइनली क्या बनना चाहते हैं. तो अनुभव चमोली, ओवर टू यू. नमस्ते मैम. नमस्ते. फर्स्ट हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल. सो आई एम रिसाइटिंग अ पोएम. And its heading is Uljhan. Papa कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ. सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता. धन्यवाद. यह कविता सुनेंद्र विक्रम जी द्वारा लिखी गई है. नमस्कार. थैंक यू अनुभव. बहुत ही प्यारी, स्वीट, फनी सी कविता आपने सुनाई. सो कमिंग टू अनदर फनी डोज बाय रिदा सिद्दीकी. शी इज अ क्लास 7 स्टूडेंट एंड शी इज गोइंग टू रीड माय टीचर टू माय आईपॉड. ओके by Ken Nesbitt. Over to you. Hello everyone. My name is Rida and today I'm going to recite you a fun short poem, My Teacher Took My iPod by Ken Nesbitt. My teacher took my iPod. She said we had a rule. I could not bring it into class, not even to the school. She said she would return it. I'd have it back today. But then she tried my headphones on and gave a click on play. She looked a little startled, but after just a while, she made sure we were occupied and cracked a wicked smile. Her body started swaying. Her toes began to tap. She soon was grooving in her seat and rocking to the rap. My teacher changed her mind. She said it's now okay to bring my iPod to the class. She takes it every day. Thank you so much, Rida. It was such a wonderful poem by you. Javed sahab, aap is mauke par kuch kehna chahte hain? Haan, bilkul Prerna. Ye bahut khoobsurat padha Rida ne. Iske upar mujhe ek bada khoobsurat Nida Fazli ka ek sher yaad aata hai ki bachchon ke chote haathon ko chaand sitare chhune do, char kitabe padhkar ye bhi hum jaise ho jayenge. Kya baat hai, bahut sundar. Char kitabe padhkar ye bhi hum jaise ho jayenge. बहुत सुंदर दो शेर निजा फाजली साहब के. एंड नाउ वी हैव फारिस. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड एंड ही इज गोइंग टू गिव अ ट्रिब्यूट टू हिज टीचर्स ऑन दिस टीचर्स डे बाय रीडिंग अ पोएम कॉल्ड एन ओड टू माय टीचर. ओवर टू यू फारिस. एवरीवन, माय नेम इज फारिस और आज मैं टीचर्स डे पे एक पोएम सुनाने वाला हूं. O gardeners of our life garden, O guardians of our way, O you who know which flower needs what, who keeps evil at bay, you know by name every flower, no matter big or small, you are the spring that make it bloom and save it from the fall. This is a trait of God, they say God loves everyone same. If teacher have this trait in them, take next to God their name for wonderful things that they do for them who help us grow, for guardian angels in disguise, for our teachers we bow. Thank you, Faris. That was so wonderful. Your poem was as cute as you.
such a chota packet and bada dhamaka. My God. Now it's the time for another chota packet and bada dhamaka. So we have Yusra with us, Yusra Tariq, and she's going to read a poem. My teacher ate my homework by Ken Nesbitt. Is it really possible? Chalo, Yusra se hi samajh lete hain. Over to you, Yusra. Before that, ma'am, I am going to sing the Guru Mantra song. Sure, Yusra, sure. On the occasion of Teacher's Day, I would like to begin with the Guru Mantra. The Bluetooth device is ready to help. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Tasmai Shri Gurave Namaha. Very good, Yusra. So wonderful. Ab aap apni kavita suna dijiye. I also wish to recite a naughty poem on teachers. I hope you like it. My teacher ate my homework by Ken Nesbitt. My teacher ate my homework, which I thought was rather odd. He sniffed at it and smiled with an approving sort of nod. He took a little nibble. It's unusual, but true. Then had a somewhat larger bite and gave a thoughtful chew. I think he must have liked it, for he really went to town. He gobbled it with gusto, and he wolfed the whole thing down. He licked off all his fingers, gave a burp, and said, "You pass." I guess that's how they grade you when you are in a cooking class. Thank you, Yusra. Thank you. It was such a cute poem. My God, I can't handle this much of cuteness. Javed, please, aur mujhe is cuteness se bachao. बहुत खूबसूरत यूसरा, आपने बहुत ही खूबसूरती से जो गुरु मंत्र पढ़ा और उसके बाद जो किताब जो आपने अपनी पोएम पढ़ी है, ये जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर होमवर्क का, स्कूली किताबों का, इससे मुतालिक एक शेर ज़िया ज़मीर साहब का मुझे एक शेर याद आता है कि स्कूली किताबों ज़रा फुर्सत इसे दे दो, स्कूली किताबों ज़रा फुर्सत इसे दे दो, बच्चा मेरा तितली पर झपटता ही नहीं। शुक्रिया पेन। बहुत शुक्रिया जावेद। बच्चा मेरा तितली पर झपटता ही नहीं। इन छोटे छोटे बच्चों के इतने भारी भारी बैग देखकर मुझे तो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। अच्छा ही हुआ मैं इतनी जल्दी बड़ी हो गई। लेकिन आई मिस ऑल दैट क्यूटनेस, माय गॉड। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सीरियस फिलोसोफर्स। वी आर चेंजिंग सम गियर्स हियर एंड वी हैव विद अस श्रुति बहुगुणा ऑफ 7th स्टैंडर्ड, who will be reading Bonds of Friendship by Craig Burkholder. Shruti, over to you, beta. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank all the organizers to give us a chance to speak our favorite poems here. And the poem which I'm going to speak is about friendship, the reunion of two friends and let's get started. From the day that I first knew you, your heart was pure and kind. Your smile was sweet and innocent. Your wit was well refined. The sparkle in your eyes was keen.
your friendship, fast and real. Soft words were your virtue, and humor your appeal. We grew as friends together. We laughed and shared our dreams. Along the way, cross or two went unrevealed, it seems. As years rolled on, our paths were split. Our roads went separate ways. We each pursued our interests that occupied our days. We soon forgot our youthfulness of tender, carefree years. We didn't talk or keep in touch throughout life's pain and tears. Then my darkest hour came and tried me to my core. To save my heart from ruin, I closed and locked the door. Then out of every nowhere, with precise directed cue, an old familiar smile came slowly into view. Although much time was gone and the die of fate long past, it was as if we hadn't missed a second of the past. You listened with attentive care and reassured my mind. Hearts are still alive with purpose and design. Deep inside I've locked away emotions yet unfold. As time goes on and bonds grow strong, they will all unfold. So thank you, friend, for taking time to demonstrate your love. It's yet another blessing that I am undeserved. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Stuti. It was such a beautiful and lovely poem, so well presented. And how beautifully the poet has described the bond of friendship and, you know, the bond of childhood friend, sweet nature, and how that bond grows to be, you know, strong with every passing decade and year. So, and that bond can never fade away. So thank you so much. Javed, aapke tarkash mein mujhe yakin hai koi na koi teer abhi bhi baaki hai. Zarur. Ye jo bachpan ka zamana hai, ye bahut jaldi guzar bhi jata hai aur wapis nahi aata. तो इस वक्त ज़रूरी है कि इन बच्चों को फ्री छोड़ा जाए, इनको अपनी भी ज़िंदगी जीने का वक्त दिया जाए. एक आदिल मंसूरी साहब का मुझे एक बड़ा खूबसूरत शेर यहाँ पर याद आता है कि चुपचाप बैठे रहते हैं कुछ बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं कुछ बोलते नहीं, बच्चे बिगड़ गए हैं बहुत देखभाल से. शुक्रिया प्रेरणा. अनम्यूट योरसेल्फ. बहुत खूबसूरत शेर जावेद, बहुत ही सुंदर शेर आपने पढ़ा हमारे लिए. तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रीडर, इट इज सुलिका चौहान एंड शी स्टडीज इन द क्लास 8 एंड विल बी रीडिंग आउट अ ट्रांसलेशन ऑफ अ फनी पोएम बाय शेल सिल्वरस्टीन टाइटल द क्रोकोडाइल्स टूथेक. द ट्रांसलेशन हैज बीन डन बाय वरुण ग्रोवर एंड द पोएम इज मगरमच्छ के आंसू. सो ओवर टू यू तुलिका. जी, पोयम का नाम है मगरमच्छ के दांत. मगरमच्छ एक दिन गया दांत के डॉक्टर की दुकान. जाकर कुर्सी पर बैठा ही था, डॉक्टर बोला, कहिए श्रीमान, कहां कहां दुखता है और क्यों? मगरमच्छ बोला, मैं सच कहूं, मेरे दांत में इतना दर्द है कि हाय रे हाय. डॉक्टर बोला, जरा मुंह खोल के तो दिखाएं. मगरमच्छ ने जबड़ा खोला, लंबा चौड़ा भूरा. डॉक्टर उसके अंदर जाकर बैठ गया पूरा का पूरा. फिर हंसकर बोला, आ हा, ये तो बड़ा मजेदार है एकांत. और निकालने शुरू कर दिए एक एक कर सारे दांत. मगरमच्छ लगा रोने गाने, ऐसा करो मुझे दो जाने. हाय जरा धीरे, हाय जरा हौले, अपनी चिमटी हटा डॉक्टर और हाथ धोले. पर डॉक्टर साहब ने उसको ना हाँ की ना की, बस हंसकर बोले, हा 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 हा, अभी तो पूरे 12 हैं बाकी. ओहो, गलती से फिर एक और गलत निकाल दिया, पर अगला सही निकालूंगा, ये है इरादा. वैसे इतने दांत होते हैं मगरमच्छ के, क्या फर्क पड़ेगा एक कम या ज्यादा? तभी अचानक सटाक की आवाज, समझ भी नहीं आया कब और कहां मगर के जबड़े में पूरा डॉक्टर चिमटी समेत हो गया गायब.
कहां गया फिर किस दिशा, ना कोई पता ना फिर मिलने का वादा। वैसे इतने डॉक्टर होते हैं पूरी दुनिया में, क्या फर्क पड़ेगा एक कम या ज्यादा। थैंक यू। बहुत सुंदर तुलिका, बहुत सुंदर। आपने तो याद दिला दिया वो वक्त जब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता था और मैं उस मगरमच्छ के साथ बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। वो बेचारा जिस पशुपेश में होगा वो मैंने फील किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेरी वेल डन, वेरी गुड जॉब। तो जब कॉमेडी और फनी पोएम्स का सिलसिला शुरू हो ही चुका है तो सुनते हैं एक और मजेदार पोयम, बी ग्लैड दैट योर नोज इज ऑन योर फेस बाय जैक प्रिलुत्स्की, जिसको सुनाने के लिए आ रहे हैं वेदांत गर्ग, हु इज अ क्लास 5th स्टूडेंट। ओवर टू यू वेदांत। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स। टुडे आई विल बी रिसाइटिंग द पोएम बी ग्लैड योर नोज इज ऑन योर फेस बाय जैक प्रिलुत्स्की। जैक प्रिलुत्स्की इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ चिल्ड्रन पोएट्री who has published over 50 poetry collections. Be glad your nose is on your face. Be glad your nose is on your face, not pasted on some other place. For if it were where it is not, you might dislike your nose a lot. Imagine if your precious nose were sandwiched in between your toes. That clearly would not be a treat, for you'd be forced to smell your feet. Your nose would be a source of dread, were it attached atop your head. It soon would drive you to despair, forever tickled by your hair. Within your ear, your nose would be an absolute catastrophe. For when you were obliged to sneeze, your brain would rattle from the breeze. Your nose instead, through thick and thin, remains between your eyes and chin, not pasted on some other place. Be glad your nose is on your face. Thank you. Wow, wonderful Vedan. That was one funny poem you chose. Be glad that your nose is on your face, otherwise what all could have happened. Okay, so अब कॉमेडी के रंग से बढ़ते हैं देशभक्ति की रंग की तरफ, और पेश है अनुमोदा चंदेला, ये फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती है और हमें सुनाएंगी सुमित्रा नंदन पंत की लिखी कविता जय जन भारत। ओवर टू यू अनुमोदा। थैंक यू मैम। मैं अनुमेहा बागेश्वर उत्तराखंड से, आज मैं आप सभी को सुमित्रानंद पंत जी की लिखी जय जन भारत कविता सुनाने जा रही हूँ। जय जन भारत, जन मन अभिमत, जन जनगणतंत्र विधाता, जनगणतंत्र विधाता, गौरव भान हिमालय उज्ज्वल, हृदहार गंगा जल, कटी विध्यांचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता, गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदहार गंगा जल, कटी विध्यांचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता। जय जन भारत, जन मन अभिमत, जनगणतंत्र विधाता, जनगणतंत्र विधाता, हरे खेत लहरे नद निर्जर, जीवन शोभा और विश्वकर्मिलत कोटि बाहु कर, अग्रित पद ध्रुव पर, जय जन भारत, जन मन अभिमत, जनगणतंत्र विधाता, जनगणतंत्र विधाता, जय जन भारत, जन मन अभिमत, जनगणतंत्र विधाता। प्रथम सभ्यता गाता श्याम धर गुण गाता, जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा गाता, सत्य अहिंसा गाता, जय हे जय हे जय हे, शांति शांति, जय जन भारत, जन मन अभिमत, जनगणतंत्र विधाता, जनगणतंत्र विधाता। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच अनुमेधा, बहुत ही सुंदर कविता पाठ आपने किया। पता है आपने ये कविता जब अभी हमारे लिए पढ़ी तो मुझे याद आया कि इस कविता को हम लोग अपने स्कूल में गाया करते थे, तो आपने हम सबको अपने बचपन में पहुंचा दिया, तो थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सौम्या अग्रवाल, शी विल बी रिसाइटिंग येट अनदर मास्टरपीस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विच इज अगेन अ लाइफ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू इम्बाइब। The poem name is The Road Not Taken. Over to you, Soumya. Good evening, everyone. My name is Soumya. I am going to recite the poem Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that passing there, had won that really about the same, and both that morning equally lame, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Thank you. Thank you so much, Soumya. Thank you so much. That was such an inspirational poem, and thank you so much for sharing with us. Now I would like to invite Arfa. She's joining us all the way from USA, and she'll be reading a poem named The Glass by Emily Dickinson. Over to you, Arfa. Hi, my name is Arfa. I'm going to be reading a poem by Emily Dickinson called The Grass. I chose this one because I like how she took a simple thing like grass and brought it to life. The grass so little has to do, a sphere of simple green, with only butterflies to brood and bees to entertain, and stir all day to pretty tunes the breezes fetch along, and hold the sunshine in its lap and bow to everything, and thread the dews all night like pearls and make itself so fine. A duchess were too common for such a noticing, and even when it dies, to pass an odor so divine, as lowly spice has gone to sleep, or amulets of pine, and then to dwell in sovereign barns, and dream the days away, the grass so little has to do, I wish I were the hay. Thank you. Thank you. Thank you so much, Afra, for this wonderful piece of poetry, and joining us all the way from USA. Thank you so much. जावेद, हम सब आपको मिस कर रहे हैं, तो आप जल्दी से आ जाइए। शुक्रिया प्रेरणा। शायद बशीर बद्र साहब ने इन्हीं क्यूट बच्चों को देखकर यह शेर कहा होगा कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। क्या बात है, बहुत सुंदर शेर, बहुत शुक्रिया जावेद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी पवनी चौधरी को, जो 10 साल की है और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। पवनी हमें सुनाएंगी सफदर हाशमी की खूबसूरत नज्म किताबें करती हैं बातें। ओवर टू यू पवनी। हेलो दोस्तों, सुना रही हूँ आप सबको सफदर हाशमी जी की लिखी हुई कविता किताबें करती हैं बातें। मेरी मम्मा बहुत सी किताबें पढ़ती हैं, मुझे भी पढ़ने को देती हैं। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि हम ये किताबें क्यों पढ़ते हैं। मम्मी ने हंसकर मुझे ये कहानी सुनाई। तो आज मैं आपको मेरी और मेरी मम्मा की मनपसंद कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की,
मारती। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहराती हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इन संसार में नहीं आना चाहोगे? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास आना चाहती हैं। धन्यवाद। शुक्रिया पवनी, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत कविता और उतनी ही खूबसूरती से आपने इसे पढ़ा भी। दोस्तों, इस कविता में सफदर हाशमी साहब हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम कविताओं से दोस्ती कर लें तो पढ़ाई की पढ़ाई हो सकती है और मस्ती की मस्ती हो सकती है। तो आज से हम लोग सब प्रॉमिस करते हैं कि हम किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे और ये दोस्ती लॉन्ग टर्म यानी कि जिंदगी भर तक हमारे साथ रहेगी। अब मैं बुलाऊंगी छोटे से प्यारे से आर्यन को, जो 8 साल के हैं और 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। आर्यन हमारे लिए लेकर आए हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की प्यारी सी कविता, कौन सिखाता है चिड़ियों। नमस्ते, मेरा नाम है आर्यन झा और मैं आज एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है कौन सिखाता है। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता उड़ते चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चोकसी कौन सिखाता उनको, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। बहुत प्यारी कविता आपने सुनाई आर्यन, आपने बहुत क्यूटली इस कविता को पढ़ा और मैं नोटिस कर रही थी कि हमें जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं सबके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी और सब आपकी कविता को एकदम मन भर के सुन रहे थे। प्रेरणा इसी मौके पर एक शेर याद आता है किसी शायर का कि इसलिए तो बच्चों पे नूर सा बरसता है, इसलिए तो बच्चों पे नूर सा बरसता है, शरारते तो करते हैं साजिश से नहीं करते। क्या बात है, बहुत बढ़िया जावेद, बहुत उम्दा शेर आपने सुनाया। और हमारे साथ आर्यन ने चिड़ियों की बात की थी, तो अब चिड़ियों की बात चली है तो चींटियों की भी बात कर लेते हैं। चींटियों की मेहनत से भरी जिंदगी को हमारे सामने पेश करेंगे अनय श्रीवास्तव। ओवर टू यू अनय। मैं अनिश श्रीवास्तव, मैं IPM में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास 1C। चीटी सुमित्रा नंदन पंत जी। चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिल डुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। यह है पिपीलिका पातिमा, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कनकन कनके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिराती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से
कनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद गुहारती। चीटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रम जीवित भाष सुनात्रिक। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनय, बहुत ही प्यारी कविता, इतने प्यार से आपने उसे पढ़ा और हमें चींटियों की जिंदगी से रूबरू कराया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, किताबें, चींटियों और चिड़ियों की बात हो ही रही है, तो तारों और फूलों की भी बातें कर लेते हैं और बुलाते हैं इमामुल हसन इमाम को। ये फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और हमें सुनाएंगे हमीदुल्ला अफसर की लिखी कविता तारे और फूल। ओवर टू यू इमाम। आप सभी को मेरी तरफ से आदाब। आदाब। मैं आपके सामने एक नज़्म पेश करने आ रहा हूँ जिसका उन्वान है तारे और फूल। ये छोटे छोटे तारे हैं कैसे प्यारे प्यारे, ये छोटे छोटे तारे हैं कैसे प्यारे प्यारे, दामन में सबको भर लूं, दामन को बंद कर लूं, जब सुबह को सवेरे मैं उठूं मुंह अंधेरे, क्यारी पर अपनी जाकर इसकी जमीन निराकर, बूंदों में सारे तारे ये बीज प्यारे प्यारे, ये बीज प्यारे प्यारे, फिर इनमें होते होते फूट आए चंद पौधे, पौधों में फूल आए हैरत में सबको लाए, हैरत में सबको लाए, लाखों ये नूर पारे तारे ये इतने सारे, लाखों ये नूर पारे तारे ये इतने सारे, पूछे ये आसमां से आए यहाँ कहाँ से। शुक्रिया। थैंक यू सो मच इमाम, बेहद खूबसूरत कविता और बेहद खूबसूरती से आपने इसे पढ़ा हमारे लिए। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। दोस्तों, फूलों की बातें हो और शबनम का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अब मैं दावत दूंगी मंजूर आलम को, जो हमारे लिए पढ़ेंगे रौश सिद्दीकी की लिखी कविता शबनम। ओवर टू यू मंजूर। मंजूर है हमारे साथ। आप सबको मेरा आदाब। आदाब। योम असातिज़ा की आप सबको मुबारकबाद। ये कहानी रूज सिद्दीकी ने लिखी है जिसका उन्वान है शबनम। क्या ये तारे हैं जमीन पर जो उतर आए हैं, क्या ये तारे हैं जमीन पर जो उतर आए हैं, या वो मोती हैं के जो चांद ने बरसाए हैं, या वो मोती हैं के जो चांद ने बरसाए हैं, क्या वो हीरे हैं जो सेहरा ने पड़े पाए हैं, या वो हीरे हैं जो सेहरा ने पड़े पाए हैं, ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। ये कहानी भी सुनाई है जमीन अक्सर, ये कहानी भी सुनाई है जमीन अक्सर, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गोहर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गोहर, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, वन में जो खिलती है कलियां उन्हें वन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है,
केकशा रोज बुलाकर उसे बहकाती है, केकशा रोज बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में जमी के ही सुकून पाती है, पर ये दामन में जमी के ही सुकून पाती है। शुक्रिया। क्या बात है मंजूर, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने, बहुत खूबसूरती से पढ़ा आपने इसे, बहुत शुक्रिया। चलिए अब माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं और बुलाते हैं सुहानी को। सुहानी शॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सीम टू बी क्वाइट अ सेलिब्रेटेड पोएट ओवर हियर। लेट्स वेलकम सुहानी। Happy Teachers Day to all, ma'am. Hello, I'm Pansi. Happy Teachers Day, Suhani, to you too. Ma'am, my name is Suhani. I have decided the poem Snowing by Woods on a Snowing Evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village too. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it will to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the dark Suhani, Suhani, beta, Suhani, आपको हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। आप एक बार ईयरफोन निकाल के दोबारा सिर्फ पोयम पढ़ेंगे हमारे लिए, वो इंट्रोडक्शन मत दीजिए, सिर्फ पोयम पढ़ने की कोशिश करिए। ईयरफोन निकाल के वैसे ही सामने रख के पढ़ दीजिए। गुड इवनिंग मैम। पढ़ दो बेटा। Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only voice, the speak of easy wind and downy play. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. And miles to go before I sleep. Thank you. Thank you so much, Suhani. Miles to go before I sleep. Indeed. So let's continue this journey of poetry and help me to invite Niharika. She's a 12-year-old studying in 7th standard. Niharika is going to read The Rebel by DJ and Rai. Over to you, Niharika. I am going to read the poem, The Rebel. When everybody has short hair, the rebel let his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel has cut his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cats lover, the rebel puts in a good word for dog. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is waiting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody
says yes, please. The rebel says no, thank you. When everybody says no, thank you, the rebel says yes, please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. Thank you. Thank you so much, Niharika. It was a very interesting poem. And you have made us realize that we all have a rebel in us who just refuses to conform to the norms, such as not taking a bath on a holiday. Okay, so ab aage badhte hain. Aur kyunki aaj Teachers Day hai, to aaj ka ye program teachers ke liye hamara ek dedication bhi hai. And in the same light of celebrating our teachers, let me invite Khushi Jha. She's a 16-year-old and she studies in class 12. And she's going to read Why God Made Teachers by Kelvin Williams Huff. Over to you, Khushi. Thank you, Prerna ma'am. Hello, everyone. My name is Khushi Jha and I am from 11th class. I am feeling honored to grab this opportunity. Today, I will recite a poem which I like the most, Why God Made Teachers. It's written by Kelvin William Huff. I hope that you will enjoy this poem. When God created teachers, He gave us special friends to help us understand His world and truly comprehend the beauty and the wonder. Of everything we see and become a better person with each discovery. When God created teachers, He gave us special guides to show us ways in which to grow, so we can all decide how to live and how to do what's right instead of wrong, to lead us so that we can lead and learn how to be strong. Why God created teachers in His wisdom and His grace was to help us learn to make our world a better, wiser place. Thank you. In this poem, we can understand the role of our teacher. Teachers are the main character of our life that perform the role of special friends, our mother, and special guide that guides us in right path. Thank you. Thank you so much, Khushi. Thank you so much for joining us. And it was a very inspiring poem indeed. Thanks again. So, teachers ki baat ho aur class ki baat na ho, aisa kaise ho sakta hai? Isliye ab hum sabke beech bulayenge Shima ko, jo hamare liye padhengi meri kaksha. Shima 16 saal ki hai aur 11th standard mein padhti hai. Over to you, Shima. Thank you, ma'am. Meri kaksha. मेरी कक्षा में 40 बच्चे सबके सब बड़े ही अनोखे एक गांव की लड़की है जो दुनिया अलग देखती है वो जन समाज से जुड़ने खातिर हरी भरी सी खिड़की है वो एक गांव की लड़की है जो एक लड़का जो नेत्रहीन है मन के भावों को पढ़ लेता है कभी कभी वह भी वो देखे जो देख नहीं कोई पाता है एक लड़का जो नेत्रहीन है एक जो लिखना नहीं जानता उसकी आंखों में है कविता एक जो लिखना नहीं जानता उसकी आंखों में है कविता दौड़ धूप में जोड़ना उसका बस किताबों से बहना जुड़ता ऐसे प्रश्न लाते कुछ बच्चे शिक्षक होते हक्के बक्के खोलते अलग ही दुनिया वो सोचते सबसे हटके कुछ को गाना और बजाना कुछ को हंसना और हंसाना कोई विज्ञान कोई गणित कोई विज्ञान भाषा समझ की रखते ज्ञान कभी कभी होते उदास
हम करते उनके लिए कुछ खास, उनकी सब चिंता उनकी सजा कर जाते, बन जाती अपनी बात, बन जाती अपनी बात। शुक्रिया। बन जाती अपनी बात, हम सबकी बात जरूर बनेगी। और बात बनते बनते एक बात और बताएं कि क्लास की बात चल रही है, टीचर्स की बात चल रही है, तो टीचर्स की ही बात और करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नंदिनी झा। और नंदिनी हमारे लिए पढ़ेंगी अ पोयम बाय जोआना फुक नेम्ड नंबर वन टीचर। ओवर टू यू नंदिनी। Thank you so much, Prerna ma'am, for giving me this opportunity where I can speak my poem. So, first of all, I want to dedicate this poem to all my teachers who always supported me when I needed it. Now, I would like to start my poem. So, my poem name is Number One Teacher, written by Joanna Fritz. So, I am happy that you are my teacher. I am happy that you are my teacher. I enjoy each lesson you teach. I enjoy each lesson you teach. As my role model, you inspire me. As my role model, you inspire me to dream and to work and to reach. To dream and to work and to reach. With your kindness, you get my attention. With your kindness, you get my attention. Every day you are planting the seed. Every day you are planting the seed of curiosity and motivation. Of curiosity and motivation to know and to grow and to succeed. To know and to grow and to succeed. You help me fulfill my potential. You help me fulfill my potential. I am thankful for all that you have done. I'm thankful for all you have done. I admire you each day. I admire you each day. And I just want to say, as a teacher, you are number one. And I just want to say, as a teacher, you are number one. So overall, my poem wants to say that whoever actually not my school teacher, but all the person who teach me even a small thing in my life, I want to thank them. And for there, for me, those all are number one teacher for me. So thank you so much once again. Thank you so much, Nandini. It was a very beautiful poem and such a wonderful ode to all our teacher who works tirelessly to help us realize our dream. Thank you so much, Nandini. और अब ये महफिल अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है और आज की आखिरी कविता हमारे बीच लेकर आ रही है विद्या भारती, जो अशोक कुमार जी की लिखी एक प्यारी सी कविता मुझे सीखना है हमारे लिए पढ़ेंगी। ओवर टू यू विद्या। आई थिंक विद्या इज नॉट विद अस। इफ विद्या इज यू आर इज नॉट विद अस। ओके ओके, सो this comes to the end of this celebration of teachers and poetry and thank you so much for joining us. Dosto, aaj ki is mehfil ko hum yahi viram dete hain. Ab juda hone ka waqt hai taki hum ek baar phir se mil sake aur kavitaon, ghazlon, nazmon ke zariye kuch haseen pal phir se jee sake. Ab main Chandar Verma sahab ko daawat dungi कि वो आए और इस बज़्म को इसके सही अंजाम तक पहुंचाए। चंदर वर्मा जी, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच प्रेरणा। सही अंजाम तो नहीं है, आई थिंक इट इज अ गुड बिगिनिंग, अंजाम नहीं कहूंगा मैं। इससे अच्छा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता है हम लोगों ने आज से पहले कभी किया है। बच्चों के लिए ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। पहला हमने कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मिलकर किया था और दूसरा आज हमें ये ऑनलाइन करने का मौका मिला। ऑनलाइन के कुछ एडवांटेजेस हैं, हम दूर दूर से बच्चों के साथ जुड़ पाए एंड इट इज इंडीड अ प्लेजर। और मैं क्या बताऊं, मैं बहुत भावुक हो गया बहुत बार बच्चों को देख के। कितना ये सिर्फ कविताओं के लिए प्रेम नहीं है, उन टीचर्स के लिए, उनकी मेहनत के लिए। और बच्चों में सब्र की बहुत कमी रहती है, बट आई स्टिल कैन सी वी हैड मोर देन 30 पीपल यू नो all the time with us in this meet. So thank you so much everyone. I won't take much of your time.
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, आप जुड़े और इसे आप शुरुआत ही समझें। जितना अच्छा आज इस प्रोग्राम को बच्चों के साथ करते हुए लगा, इससे बेटर मैंने कभी पहले फील नहीं किया। मुझे बहुत खुशी है हम ऐसा कुछ कंसीव कर पाए और आज टीचर्स डे के दिन बच्चों ने जो डेडिकेशन दिखाई है अपने टीचर्स के लिए, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, इट इज इंडीड कमेंडेबल। सभी बच्चों के लिए क्लैप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और जल्दी ही आप सभी के साथ एक बार फिर से एक प्रोग्राम करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ कविता कारवा निशा दिल्ली, सभी टीम मेंबर्स की तरफ से मैं चंद्र वर्मा आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू फ्रॉम अस। थैंक यू प्रेरणा, यू आर वंडरफुल। या प्रेरणा, यू आर वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू चंद्र वर्मा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। Thank you everyone. Thank you all the children. Thank you so much for joining us. It was such a pleasure to meet you all. Such a pleasure. Lovely having them all. Prerna, you look wonderful. You spoke wonderful. Very, very good. Finally, you. And Javed. Javed, you were also very good. Thank you everyone. Thank you everyone. Yusra, you were very, very cute. Thank you. Yusra, you were awesome. Yusra, you were awesome. Awesome. Thank you. Oh my God. A big round of applause for everybody. Let's clap. Everyone. I mean, really. A big round of applause for Kausar Baji as well, for Javed and Chandar Ji, who have put together this wonderful show. And thank you, Kausar Baji, for helping me out with the poems and writing and everything. Thank you, Javed. आपने प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए अपने शेर से. बच्चों ने, I'm sure, बहुत enjoy किया होगा. Rohit, a big thank you to you too for all the technical support along with Chandra. Absolutely, I was coming to that only. Yes. Rohit, thank you so much. You were the backbone today. बस इसने मुझे बंद करके रखा हुआ था, मेरा मुंह बंद किया हुआ था इसने. दुश्मन है ये मेरा, दुश्मन. बाजी क्या कह रहे हैं आप? कि पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं. ऑलराइट, सो वी आर एंडिंग द मीटिंग नाउ. थैंक यू सो मच एवरीवन. ओके, म्यूट तो करो, किसी को कुछ कहना है तो. हां, एक बार बच्चे कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन. थैंक यू एवरीबॉडी. या प्रियम, फातिमा, सो नाइस टू सी यू. एवरीवन, आफ्रा, प्रियम, बता, सो गुड, लवली, लवली, लवली हैविंग यू. थैंक यू मैम. मामूल बहुत प्यारे बच्चा, मामूल मियां बहुत I just muted all. Sorry. I know. People are very, excited, overwhelmed. They want to say a lot. But see, it is not possible on Zoom. अगर ये कोई physical meeting होती तो आप सबको प्यार से गले लगाते, छोटे बच्चों को किसी भी करते. Now it is not possible here on Zoom. So thank you so much, everyone. So we are ending the meeting. This lovely program now. Thank you so much for joining it. That's it from us. Bye, Yusra. Bye. Thank you. So cute you all are. Bye.